नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, घंटों घंटों देखने की जहमत उठा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करिए, जिससे कि मेरे वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाएँ। क्योंकि एनालिटिक्स में बता रहा है 70% वॉच टाइम उन लोगों से आ रहा है जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ जिम्मेदार यूट्यूब वॉचर बनिए। अगर आप कोई भी यूट्यूबर के कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है उसका शीर्षक है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे रहा हूं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो हेयर फॉलिंग को लेकर इस चैनल पर बहुत पहले बना चुका हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी होगा और वो काफी पसंदीदा पसंद करा गया वीडियो है। तो फिर मुझे क्यों जरूरत पड़ी जब मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूं हेयर फॉलिंग पे वीडियो। तो दोस्तों, वो जो वीडियो था, इस वीडियो में मैं सिर्फ हेयर फॉलिंग को लेके कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा कि कुछ हेयर केयर टिप, हेयर की केयर करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा, जो कि इतने ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये टिप्स ट्रीटमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो वीडियो है उसके अंदर मैंने हेयर फॉलिंग की पूरी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी प्लस उसका ट्रीटमेंट उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उसको उस लिंक पे जाकर के कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने बालों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा है। मैं 14 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आया मैं फुल टाइम प्रैक्टिशनर, मैं कोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, जबकि मुझे कई ऑफर्स थे। मैं फुल टाइम दिन के 9 घंटे सिर्फ पेशेंट्स को देखने का काम कर रहा हूँ पिछले 14 साल से। अगर आप मेरा नाम गूगल करेंगे तो आप मेरे बारे में बहुत कुछ बातें आपको पता चलेगी, इस चैनल के अलावा भी बहुत कुछ बातें, कि मैंने अलग अलग जहाँ पे मेरी प्रोफाइल्स हैं और लोगों ने वहाँ जाके अपने रिव्यूज डाले हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने हेयर फॉलिंग के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव काम करा है। हेयर फॉलिंग, एलोपेशिया एरियाटा, एरोपेशिया यूनिवर्सलिस, टोटलिस वगैरह वगैरह, जितनी भी आप यू कैन इमेजिन द डिजीजेस, मोस्ट सीरियस डिजीजेस ऑफ द हेयर्स, वो मैंने उसके ऊपर अपनी लाइफ में बहुत रिसर्च करी है। ऊपर वाले की दया से बहुत सारे पेशेंट मिले, बहुत सारा नाम मिला, तो इसके कारण मुझे बहुत रिसर्च करने का मौका मिला। मेरे सामने आज तक हेयर फॉलिंग के तकरीबन 5000 से ज़्यादा पेशेंट बैठ चुके हैं मेरी पेशेंट चेयर के ऊपर, और उसके मैंने जो डाटा निकाला है इन लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान, इन लोगों की रिसर्च, इन लोगों के ऊपर रिसर्च के दौरान, वो डाटा ये बताता है कि दोस्तों, हेयर फॉलिंग जैसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी किसी के साथ, ये इन लोगों ने खुद करा हुआ है। कैसे करा है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अंत तक कंटिन्यूएशन में देखिएगा। मेरी रिसर्च ये बताती है कि ज्यादातर जो हेयर फॉलिंग के यंगस्टर्स आ रहे हैं, टीनएजर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो हैं 20 साल से कम उम्र से स्टार्ट होते हैं वो बच्चे। इनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। लड़कियों के जो बाल हैं वो बिल्कुल इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी के हैं, उनकी टोटल हेयर्स की डेंसिटी कम है, उनके हेयर की लेंथ नहीं बढ़ती, उनके हेयर्स एकदम ड्राई हैं, ब्रिटल हैं, लश्चर हैं, लश्चरलेस हैं। और वहीं पे अगर हम लड़कों की बात करें तो दे आर इन सच अ स्मॉल एज आर विक्टिम ऑफ द मेल पैटर्न बाल्डनेस। मतलब एक पिता एक अपने बच्चे को लेकर के आया, बच्चा बिल्कुल गंजा हुआ पड़ा है, बच्चे की फ्रंट हेयर लाइन जो है पीछे की तरफ चली गई है, उसके क्राउन में डेंसिटी कम हो गई है, और पिताजी जो बैठे हैं उन पिताजी के बाल माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा घने और बहुत ही ज्यादा अच्छे बाल हैं। कई केस के अंदर ग्रैंडफादर ग्रैंडसन को लेके आए, ग्रैंडफादर के बाल बिल्कुल अच्छे हैं और वो जो ग्रैंडसन है, जो पोता है, वो बिल्कुल गंजा हुआ पड़ा है। तो मेरी रिसर्च में मैंने क्या पाया, मैं आज उस बारे में बात करूंगा कि ये हुआ क्यों। जो पहला सवाल एक हम लोग एक पेशेंट से करते हैं, स्पेशली एनी पेशेंट ऑफ द हेयर फॉलिंग और हेयर प्रॉब्लम, तो वो ये रहता है कि आप मेंटेनेंस को क्या करते हैं, आप बालों के मेंटेनेंस को लेकर के क्या करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो जवाब आता है कि वी डू नॉट डू एनी स्पेसिफिक थिंग रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ हेयर, ये पहली गलती है इन लोगों की। अब जो मेंटेनेंस जब मैं बोल रहा हूं, तो आप किस तरह से बालों का मेंटेनेंस कर सकते हो। आप बालों का मेंटेनेंस सिर्फ दो तरीके से कर सकते हो, आप उनको वॉश कर सकते हो और आप उनके ऊपर ऑयलिंग कर सकते हो। जो दूसरा सवाल होता है, वॉशिंग आप कितने दिन में करते हैं। सर, वॉशिंग तो मैं अल्टरनेट डे कर लेता हूं।
अल्टरनेट डे कर लेता हूँ मैं, कई बार पानी से धो लेता हूँ, एक दो तीन दिन छोड़ के मैं शैम्पू लगा लेता हूँ, तो ये इट इज फेयर फेयरली गुड, ये ठीक है, ये कोई इसमें बुराई नहीं है। फिर सबसे मुद्दे की बात आती है, आप ऑयलिंग करते हो क्या, करते हो तो कब करते हो, किस चीज से करते हो। तो 5-7 हजार लोगों के अंदर से लगभग लगभग 70% लोगों का जवाब था हम ऑयलिंग नहीं करते हैं। मेरा अगला सवाल, आप ऑयलिंग क्यों नहीं करते हो, तो उनका यह कहना था कि बिफोर कमिंग टू यू आई वेंट टू अ एलोपैथिक डॉक्टर एंड ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड स्टॉप द ऑयलिंग इंस्टेंटली, इसलिए हम तेल नहीं लगाते। ये 50% लोगों का जवाब था। और जो बाकी 50% लोग थे जो कहीं पे नहीं गए, वो अपने मन से ही ऑयलिंग नहीं करते। दोस्तों, सबसे ज्यादा अंडरलाइन जो हेडिंग पॉइंट वाला पॉइंट है इसके अंदर, कि आप बालों की केयर करने में सिर्फ तेल लगाना और उनको धोने के अलावा दूसरी तीसरी चीज आप कर ही नहीं सकते। पहली चीज आप कर सकते हो, उनको वॉश आउट कर लो, कि जो धूल और गंदगी उनमें चिपक जाती है बालों में, क्योंकि हमको स्कैल्प में पसीना आता है, हम लोग बाहर जाते हैं तो उस पर डस्ट बैठती है, उसके ऊपर जितनी जो गैसेस होती हैं, एग्जॉस्ट होते हैं गाड़ी के, उनकी जो गैसेस और पार्टिकुलेट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, जो प्रदूषण के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी हम लोग इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट आती है ना कि कितना पीपीएम पार्टिकुलेट आ रहे हैं जो दिल्ली में पराली जलाने के कारण, तो वो सारा का सारा प्रेसिपिटेट होता है। तो पहला मेंटेनेंस का जो स्टेप आता है, दैट इज द वॉशिंग ऑफ द हेयर। तो यू शुड वॉश यूर हेयर, ये अब आपके लिए टिप पे आ गया मैं, कि आपको माइल्ड शैम्पू से वॉश करना है अपने बालों को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप सवाल पैदा होता है शैम्पू हम कौन सा यूज करें। शैम्पू आपको इंडियन यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉरियल और ट्रेसमी, ये दो कंपनी का नाम आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, ट्रेसमी और लॉरियल। कहने का मतलब, यू शुड नॉट यूज एनी शैम्पू ऑफ द इंडियन ब्रांड, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स को शैम्पू बनाने का तजुर्बा ही नहीं है। ये आज भी धोने का मतलब डिटर्जेंट समझते हैं, ये आज भी धोने का मतलब है कि खूब सारा साबुन डाल दो कि बहुत सारा झाग बने और बिल्कुल चीज धुल के आ रहे। तो भाई बाल धोना है यार, कोई अपने को कारपेट नहीं धोना है कि गंदे कपड़े धोना है कि हम उसके अंदर इतने हैवी डिटर्जेंट यूज करें। तो द शैम्पू शुड बी द माइल्ड, तो इसलिए ये दो ब्रांड है, लॉरियल और ट्रेसमी, आप इसका शैम्पू यूज करें। भगवान के लिए अगर अपने बालों से रत्ती भर भी प्यार है तो इंडियन शैम्पू नहीं यूज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ऑयलिंग। अब मेरा जो दूसरा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, आप ऑयलिंग नहीं करते क्यों नहीं करते भाई, तो एक जवाब आता है डॉक्टर साहब के पास गया था उनने मना करा, और जो दूसरा सवाल जो जवाब आता है वो ये रहता है कि मैं तो शुरू से ही ऑयलिंग नहीं करता। अब ये सवाल का जवाब यह है कि क्यों ऑयलिंग नहीं करी जाती, वो इसलिए कि दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन ट्रेंड आया है पिछले 10 साल के अंदर शहरों के अंदर। मतलब कहने का, दोज प्रैक्टिसेस विच आर यूजुअली डन बाय द लड़के लड़कियां ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी के लड़के लड़कियों की जो हरकतें होती थी, वो हरकतें अब शहर के बच्चे कर रहे हैं, छोटे शहर के गांव के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बड़े शहर के अंदर जो एक मैं अब आपको जनरेशन गैप के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कि जब कोई बच्चा मेरे सामने बैठा है 22 साल का और मैं हूं 37 साल का, तो एक जनरेशन गैप है, मैं एक जनरेशन पहले का हूं, वो एक जनरेशन मेरे से यंगर है। तो उसका जवाब यहां पे छुपा है कि हम लोगों की जनरेशन में कुछ भी नहीं होता था, हम लोगों की जनरेशन में, मतलब जब मैं 37 साल का हूं या जो लोग मैं चैलेंज दे रहा हूं 40s में चल रहे हैं, 35 से 40s के बीच में चल रहे होंगे मेरे जितने दर्शक, वो सब अपना आईने में बाल देख लें, आप सबके बाल अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों की जनरेशन में तैयार होने का मतलब सिर्फ तेल और कंघी हुआ करता था। उस जनरेशन के लोगों, उसके पहले के जो लोग थे उनके बाल बहुत हेल्दी हैं, और ये जो हमसे एक जनरेशन से बाद और दो जनरेशन बाद से जो बच्चे आए हैं वो गंजे पैदा हो रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे, पैदा तो बाल के साथ हुए, तो उनकी प्रैक्टिसेस के कारण वो गंजे हो रहे हैं। तो हमारे और हमारे पहले की जनरेशन में जो चीज होती थी कि हम लोग तैयार होने का मतलब सिर्फ तेल और कंघी होता था, तब हम लोग बैगी पैंट पहनते थे, एट दैट टाइम देयर वर द प्रचलन ऑफ बैगी पैंट, पैरेलल पैंट चला करते थे, ढीली ढीली सी शर्टें चलती थी, ऐसा कुछ था नहीं, गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, स्मार्टफोन थे नहीं, मोबाइल थे नहीं, मोबाइल तो 2002-2003 में हमारे सामने आया। तो वहां पे क्या था, तैयार होने का मायना हुआ करता था कि मस्त बाल गीले करने का या नहाने का, और तेल और कंघी यूज करने का और लपक के तेल लगाने का।
और ये प्रैक्टिसेस ने दोस्तों उस एज के लोग, मतलब मेरी एज के लोग और मेरे से पहले के जो लोग थे, उनके बालों को बचा करके रखा हुआ था। और एग्जैक्टली ये लड़के लड़कियां यही गलती कर रहे हैं। और जो मैं स्टेटमेंट इस वीडियो के शुरुआत में दिया था वो बिल्कुल सही है कि ये कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं भाई, ये इन लोगों की खुद की पैदा करी हुई है। अगर ये खुद लोग ढंग से ऑयलिंग करते, बालों के मेंटेनेंस पे ध्यान देते, पर नहीं भैया, लहराते हुए बाल चाहिए, फ्लपी हेयर चाहिए, बिल्कुल घने बाल चाहिए, बिल्कुल हवा में लहराते हुए बाल। उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है तेल ना लगाओ, क्योंकि अगर आपने तेल लगा लिया तो जो चिपकू और चंपू शब्द एक आया है पिछले दिनों से मार्केट में, पिछले 10 साल में, कि वो लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियां मजाक उड़ाती हैं, साथ के लड़के मजाक उड़ाते हैं कि चंपू चिपकू हेयर्स वाला, चंपू हेयर्स वाला, उससे बचने के लिए ये बच्चों ने कहीं ना कहीं अपने बालों के लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट करा है अपनी आदतों से। और मैं आने वाली जनरेशन के लिए ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एज अ पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर हेयर फॉलिंग है, एज अ पेशेंट यंगर, आप एक एज अ यंगर व्यूअर देख रहे हैं कि आपके अंदर अगर खुद के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। आपको दोस्तों ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका हल्का फुल्का हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज अपनी आदतों को बदल लीजिए। अब जैसे कि मैंने शैम्पू बताया, मैं ऑयल बताता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो तीसरा सवाल इन लोगों से पूछा जाता था, 5-7 हजार जिनकी केस टेकिंग की, उसमें से अगर इत्तफाकन 10% 20% ऐसे भी थे जो बोलते थे कि यस आई डू ऑयलिंग, तो दोस्तों सबसे खतरनाक ऑयलिंग से वो लोग ऑयलिंग कर रहे थे। मतलब पहली बात तो इसमें से मेजर तो ऑयलिंग कर ही नहीं रहे थे, ये सब जिहादी थे, मतलब खुद ही, मतलब इनको ऑयलिंग करना ही नहीं था और ये खुद ही अपने बालों की शहादत देने के लिए तैयार थे। और जो थोड़ा बहुत 10% 20% लोग कर भी रहे थे ऑयलिंग, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह का ऑयल यूज करते हो, कौन सा ऑयल यूज करते हो। मेजर प्रपोर्शन ने मेरे को एक ऑयल का नाम बताया, वो था बजाज का आलमंड ड्रॉप। उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला था वो पैराशूट का हॉट ऑयल, बहुत सारों ने बोला पैराशूट का जैस्मिन ऑयल। तो दोस्तों आपको ऑयलिंग का पर्पस समझिए, ऑयल का मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑयल एंड वाटर। अब मैं टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं ऑयलिंग की, थोड़ा सा ढंग से समझिएगा कि व्हाट इज द केमिस्ट्री के अंदर, ऑन द केमिस्ट्री लेवल पे पानी और ऑयल का डिफरेंस क्या है। भाई वॉलिटिलिटी का डिफरेंस है कि ऑयल गाढ़ा होता है, घना होता है, उसकी वजह से ऑयल अगर कहीं गिरेगा तो वो उड़ेगा नहीं, वाष्पीकृत नहीं होगा, पर पानी कहीं गिरेगा तो वो टेम्परेचर से वाष्पीकृत हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज द वॉलिटिलिटी। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाटर एंड ऑयल इज कि वाटर इज वेरी इजीली वॉलेटाइल, वो जल्दी से इवोपरेट होता है, एंड ऑयल इज नॉट वॉलेटाइल, वो कम वॉलेटाइल होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब हम ऑयल की एक कैटेगरी बनाते हैं। सबसे गाढ़ा तेल कौन सा होता है? कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। कितना गाढ़ा होता है आपने देखा, बहुत ठीक होता है, हनी जैसा। तो वो सबसे ज्यादा, उसके अंदर जितनी विस्कोसिटी होगी उसकी वॉलेटिलिटी उतनी कम होगी। उससे थोड़ा कम ऑयल जो कम वॉलेटाइल है और थोड़ा सा मतलब कम गाढ़ा है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल होता तो गाढ़ा है पर कैस्टर ऑयल से कम होता है, इसलिए वो हल्का सा उसकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। फिर आता है नंबर नारियल तेल का। नारियल तेल सरसों के तेल से भी थोड़ा सा पतला होता है, कम विस्कस होता है, इसलिए उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। फिर नंबर आता है इन ऑयल्स का जो मेरे को मेरे पेशेंट्स ने बताए, कौन कौन से, वो बजाज का आलमंड ड्रॉप ऑयल और जैस्मिन, मतलब नॉन विस्कस ऑयल। मतलब ये ऑयल ऐसे थे कि ये सिर्फ नाम के तेल है कि भाई हाँ मैं अपने आप को संतोष दे सकूं कि मैंने तेल लगाया है, और वो संतोष के लिए बस एक फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पे बंदा ये ऑयल लगाता है। और इन ऑयल की दिक्कत क्या है कि ये कोकोनट ऑयल से भी बहुत पतले हैं। कोकोनट ऑयल तो ठंड में जम जाता है, मतलब वो कम, कहीं ना कहीं उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो घनत्व ज्यादा है, पर ये जो तेल है ना ये बिल्कुल बिल्कुल इजिली वॉलेटाइल है। दे आर जस्ट एज वॉलेटाइल एज वॉटर, कि इनको और पानी को रख दें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, पानी भी उड़ेगा ये तेल भी उड़ेगा। अब वॉलेटाइल ऑयल से ऑयलिंग करने की दिक्कत यह है कि जब भी मैं ऑयलिंग करूंगा तो शरीर का टेम्परेचर, और वो जो बाल में तेल कब लगाते हैं, नहाने के बाद लगाते हैं, तो वो जो तेल है ना वो बॉन्ड बना लेता है पानी के साथ, और जैसे ही पानी उड़ेगा वो तेल को भी लेके उड़ जाएगा। तो आपने सिर्फ नाम का तेल लगाया, आपके बाल जो है वो तेल लगाने के घंटे भर बाद एब्सोल्यूटली 100% ड्राई हो जाएंगे,
और जो ड्राई हेयर्स होते हैं वो डबल मार पड़ेगी उन बालों में। ड्राई हेयर्स या तो इन लोगों के जिनने नाम के फिल इन द ब्लैंक्स वाले तेल लगाए, या फिर वो लोग जो तेल ही नहीं लगा रहे हैं। तो जब तेल ही नहीं लगाऊंगा मैं तो मेरी जड़ से बाल उखड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं गार्डन में पानी नहीं डालूंगा तो जो छोटी छोटी घास होंगी, छोटे छोटे पौधे होंगे, वो तो अपने आप जड़ छोड़ देंगे ना। वहीं पे अगर मैं पानी डाल के रखूंगा तो घास को जमीन से उखाड़ने में मेहनत लगती है, आप समझो मेरी बात। तो ये मॉइस्चराइजेशन का ये फर्क है। तो अगर मैं ऑयल नहीं लगा रहा हूं तो डबल मार पड़ेगी मेरे बालों पे, मेरे बाल जड़ से, क्योंकि जड़ एकदम जो रूट है बालों की, जो स्कैल्प है वो ड्राई है, तो जड़ से बालों को छोड़ देगा। प्लस जो छोटे छोटे हेयर्स दिखते हैं ना, तो ये जो शाफ्ट होता है बालों का, ये शाफ्ट भी ड्राई हो जाएगा। और शाफ्ट जब ड्राई हो जाएगा तो हेयर्स एकदम ड्राई हो जाएंगे, उसका केराटिन एकदम ड्राई हो जाएगा, वो बीच से भी टूटेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस बारे में कि हाउ टू टेक केयर ऑफ यूर हेयर। तो जो दो पॉइंट इसमें सबसे तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट निकले, पहला वॉशिंग के लिए हमको ट्रेसमी या लॉरियल जैसा अच्छे ब्रांड का शैम्पू है, मल्टीनेशनल बाहर की कंपनी का शैम्पू यूज करना चाहिए, जिससे हमको लगभग अल्टरनेट डे या हर तीसरे दिन हमको बाल धोने हैं। बाल धोने के बाद हमको पैराशूट नारियल तेल और उसके ऊपर के ऑयलों से, ऊपर का ऑयल कौन सा है, या तो नारियल का तेल लगा दूं, या उसके ऊपर एक जैतून का तेल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, या तो वो लगा लिया जाए, उसके ऊपर सरसों का तेल आता है या वो लगा लिया जाए, इसके नीचे कोई तेल अलाउड नहीं है। आपको नारियल तेल, कम से कम नारियल तेल लगाना है, या उससे और गाढ़े तेल, ऐसे तेल जो और कम वॉलेटाइल हो वो तेल लगाना है। तो वो तेल से जो मॉइस्चराइजेशन होगा वो आपके हेयर की शाफ्ट को भी मॉइस्चराइज करेगा, आपके स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करेगा, और आपके बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये दो टिप्स थी, और ये दो वो गलतियां थी जो ये लड़के लड़कियां कर रहे हैं, और फिर ये लोग अपने घर वालों का हजारों की तादाद में पैसा फूंक देते हैं सिर्फ इलाज कराने में। और तो खासकर लड़कों में जब वो गंजापन आ जाता है तो फिर उनके लाखों रुपए लगने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, और वो भी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हाउ टू टेक केयर ऑफ यूर हेयर नाम के सवाल जो था इसका जवाब मिला होगा। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।